दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के आरपीएफ की पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो त्योहारों के मौसम के लिए टिकट थोक में खरीद कर महंगे दामों में बेचा करता था। आरपीएफ की टीम ने आरोपी के पास से 77 टिकट बरामद किए हैं। ये सभी टिकट त्योहार के मौसम में बेचे जाने थे। आरपीएफ की गिरफ्त में खड़ा यह सोनू कुमार, जो मूलतः झारखंड के बोकारो का रहने वाला है और यहां दिल्ली के सकरपुर में एडवांस मल्टीपर्पज कंसलेटसी नाम से शॉप चलाता था। आरपीएफ के डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर राजीव कुमार के मुताबिक इसके पास से पुलिस ने 77 टिकट बरामदी की है, जिसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा है। साथ ही राजीव कुमार ने यह भी बताया कि इसने अब तक लगभग 4000 टिकट ब्लैक किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 69 लाख रुपए बताई जा रही है। ये आगामी छठ पूजा और दिवाली रस को देखते हुए अवैध टिकट दलालों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आरपीएफ की टीम ने, जिसको निरीक्षक अनिल कुमार हेड कर रहे हैं, और जैसा कि हमें सीआरबी साहब, अपने डीजी साहब और प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर का अभियान चलाया जा रहा है, और आज हमें एक बड़ी टीम को मिली है, जिसमें सोनू कुमार सन ऑफ संजय बर्नवाल, ये मूलतः बोकारो झारखंड के रहने वाले हैं और एडवांस मल्टीपर्पज कंसल्टेंसी नाम से एक शॉप चलाते हैं जो शकरपुर खास मेन मार्केट में स्थित है, और इनके पास से हमने 77 लाइव टिकट बरामद किए हैं जो आगामी पूजा रस्म में यूज होने वाले थे, जिनकी कीमत 2,01,956 रुपये है, और अब तक इन्होंने कबूल किया है कि ये पर हेड 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, और अब तक की जो इनकी पास्ट हिस्ट्री में हम अगर जाएं तो 3,945 टिकट ये इन्होंने अवैध दलाली से बनाए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 69 लाख से ज़्यादा है। तो ये बड़ी सफलता हम लोगों को आज। बहरहाल पुलिस ने इसे पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है।